हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम फ्लावर्स के अंदर पाए जाने वाले अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एनिमोफिली के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वायु परागण होता है, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोफिली, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर होता है, और इन प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। हाइड्रोफिली दो तरह की होती है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर की सरफेस पर होती है, जबकि हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर के अंदर होती है। एपीहाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, वाटर की सरफेस पर हो रहा है, और हाइपोहाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है। अब हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल है वैलिस नेरिया। वैलिस नेरिया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक लिंगी पौधा है जिसके अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। ये हमने मेल प्लांट दिखाया है और ये हमारा फीमेल प्लांट है। मेल फ्लावर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स के रूप में पाए जाते हैं मेल फ्लावर्स, और फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है, यानी जो डंठल होती है जिससे स्टॉक जिससे फ्लावर जुड़ा है, वो कॉइल्ड होती है, कुंडलित होती है वो। तो फीमेल फ्लावर का स्टॉक कैसा है, कॉइल्ड है, और जो मेल फ्लावर है वो किसमें है, गुच्छों के अंदर है। अब जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तब ये प्लांट से अलग हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं वाटर की सरफेस पर। इनके अंदर तीन टेपल्स पाए जाते हैं, यानी पेटल्स और सेपल्स नहीं होते, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेपल्स पाए जाते हैं। और ये जो टेपल्स हैं, इनमें से दो टेपल पानी के नीचे होते हैं और एक टेपल पानी के ऊपर होता है, और ये टेपल मदद करता है इस फ्लावर को वाटर की सरफेस पर मूव करने के लिए। अब जब इसके एंथर मैच्योर हो जाते हैं और वो स्फुटन के लिए, डाइसेंस के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि जब एंथर हमारे फटते हैं तो उसमें से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, तो जब ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं, इनके अंदर पॉलिन ग्रेन बन जाते हैं और ये फटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय जो हमारा फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है, ये कैसा हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है, खुल जाता है ये, और फीमेल फ्लावर कहाँ पहुंच जाता है, वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है। मेल फ्लावर भी वाटर की सरफेस पर है और फीमेल फ्लावर भी। अब ये एंथर क्या होगा, फट जाएंगे, स्फुटन होगा इनका, और इसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आ जाएंगे। अब ये पॉलन ग्रेन वाटर करंट की सहायता से, यानी जिधर पानी बह रहा है उधर की तरफ ये बहेंगे, तो वाटर करंट से कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे, और पॉलिनेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, वाटर की सरफेस के ऊपर होगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से ये जो स्टॉक है ये फिर कॉइल्ड हो जाएगा और ये जो फीमेल फ्लावर है फिर अंदर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है हमारी एपीहाइड्रोफिली, जिसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो वाटर की सरफेस पर हो रहा है और पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर वाटर है। जो हमारे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो नैरो होती हैं, पतली होती हैं, जिससे कि जो वाटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो। इसके अलावा जो हमारे एक्वाटिक प्लांट है उनमें जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो हमेशा वाटर ही हो, अदर पॉलिनेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं। जो प्लांट वाटर की सरफेस पर पाए जाते हैं उनमें हमारा एनिमोफिली भी हो सकते हैं वो प्लांट, यानी उनके अंदर विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने वैलिस नेरिया देखा, जिसके अंदर जो प्लांट है वो पानी के अंदर ही है, लेकिन जो पॉलिनेशन है वो कहाँ हो रहा है, पानी की सतह पर हो रहा है, वाटर की सरफेस पर हो रहा है। अब हम सेकेंड बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। हाइपोहाइड्रोफिली के हमने दो एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट है जोस्टेरा और सेकंड है हमारा सिरेटोफाइलम। जोस्टेरा के बारे में, जो जोस्टेरा के जो पॉलेंस होते हैं वो सबसे बड़े पॉलेंस होते हैं और ये निडल लाइक होते हैं, यानी पतले होते हैं ये।
ये हमने प्लांट दिखाया, ये कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसके अंदर मेल फ्लावर अलग गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं और फीमेल फ्लावर अलग पाए जाते हैं, वो भी गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये हमारे मेल फ्लावर हैं और ये हमारे फीमेल फ्लावर हैं। अब मेल फ्लावर से जब वो मैच्योर हो गए तो क्या रिलीज हुए, पॉलेंस रिलीज हुए। ये पॉलेंस रिलीज हो गए और पॉलेंस के ऊपर जो बाहर वाली लेयर है एक्साइन, वो नहीं पाई जाती। पॉलन के ऊपर दो लेयर होती है, बाहर सबसे बाहर वाली एक्साइन और उसके अंदर वाली एंटाइन। तो पॉलेंस के, जॉस्टेरा के पॉलेंस के ऊपर एक्साइन लेयर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ये जो पॉलेंस है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है, जिसके कारण ये पॉलन ग्रेन ना तो नीचे डूबते हैं और ना ही ऊपर सतह पर जाते हैं, ये पानी के अंदर बने रहते हैं। और वाटर के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, ये फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस पानी के अंदर ही हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो पॉलन ग्रेन है अपने ही प्लांट के फीमेल फ्लावर तक पहुंचे, ये कहीं और भी जा सकते हैं वाटर करंट के थ्रू और किसी और प्लांट के, यानी किसी और जॉस्टेरा प्लांट के पॉलन इस प्लांट के स्टिग्मा तक आ सकते हैं। तो इस तरीके से जॉस्टेरा के अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है और इसमें भी अधिकांशतः क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि जो वाटर करंट है उसके थ्रू जो पॉलन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दोबारा समझ लेते हैं, ये कैसा प्लांट है, द्विलिंगी प्लांट है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है, लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं अलग अलग गुच्छों में पाए जाते हैं। मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। जॉस्टेरा के पॉलन सबसे बड़े पॉलन होते हैं, जितने भी हमारे फ्लावर्स होते हैं उनमें सबसे बड़े पॉलन किस में पाए जाते हैं, जॉस्टेरा के अंदर पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, ये निडल लाइक होते हैं, सुई जैसे होते हैं ये। इनके ऊपर बाहर वाली लेयर एक्साइन नहीं होती है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर ना डूबते हैं और ना ही ये पानी की सतह पर जाते हैं, पानी के अंदर बने रहते हैं ये। और वाटर करंट के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सिलेटोफाइलम का। ये हमारा सिलेटोफाइलम, सिलेटोफाइलम के अंदर भी प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी है। ये हमारे मेल फ्लावर हैं, ये भी गुच्छों के रूप में है, और ये हमारे फीमेल फ्लावर हैं, ये भी गुच्छों के रूप में। अब जब हमारे मेल फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर इनसे अलग हो जाते हैं, फ्लावर से अलग हो जाते हैं हमारे एंथर, और अलग होने के बाद वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वाटर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। वाटर की सरफेस पर पहुंचने के बाद इनके अंदर डेहिसेंस होता है, यानी स्फुटन की प्रोसेस होती है, और इसमें से पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आ जाते हैं। ये हमारे एंथर हैं, एंथर के अंदर डेहिसेंस हुआ और इसमें से क्या निकले, पॉलन ग्रेन निकले। अब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर अंकुरण हो जाता है, कहाँ, वाटर की सरफेस पर। तो यहाँ जर्मिनेशन हो गया पॉलन ग्रेन के अंदर, और ये जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन यानी जिनके अंदर अंकुरण हो चुका है, ऐसे हमारे पॉलन ग्रेन वापस कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं। ये हमारा मेल फ्लावर जब मैच्योर हुआ, इससे एंथर अलग हो गए, एंथर अलग होने के बाद वाटर की सरफेस पर पहुंच गए, यहाँ पर डेहिसेंस की प्रोसेस हुई, एंथर में से पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आ गए। अब पॉलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन की प्रोसेस हुई, और जर्मिनेशन होने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पहुंच गए, वापस से पानी के अंदर पहुंच गए, और यहाँ ये कहाँ आएंगे, फीमेल फ्लावर के पास आएंगे और पॉलिनेशन की हमारी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ भी पॉलिनेशन कहाँ हुआ, वाटर के अंदर हुआ, और यहाँ भी कहाँ हुआ, वाटर के अंदर हुआ। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, हाइपोहाइड्रोफिली के हैं, जबकि वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन कहाँ होता है, वाटर की सरफेस पर होता है। तो ये एग्जाम्पल है एपीहाइड्रोफिली का। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अंदर क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं फॉर वाटर पॉलिनेशन, ये हमने जाना।
आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।